ये हमारे ई कॉमर्स को बढ़ाने का लिए, बढ़ावा देने का लिए ये लोग ये जुल्मबाजी कर रहा है, उजाड़ीकरण कर रहा है, स्थायी उजाड़ीकरण करने का चिंता कर रहा है। एनडीएमसी का ये काम के खिलाफ में हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, हम लोग सड़क में उतर कर भी हम लोग इसका विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीएमसी का ये अधिकार नहीं, क्योंकि कानून का तहत दिल्ली में हम लोग का टाउन बेंडिंग कमेटी बन चुका है। टाउन बेंडिंग कमेटी ये सिद्धांत लेगा कहाँ पर उजारीकरण किया जाएगा, कहाँ पर नहीं किया जाएगा, अगर उजारीकरण किया जाएगा उसको कहाँ पर उसको पुनर्वासन दिया जाएगा। और ये जो सामान हम लोग जो छोटा छोटा सामान देश के हम लोग लाख रुपये में बेचते हैं, ये कॉमर्स में मॉल में हम लोग ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं। और सरकार इसको अगर समर्थन कर रहा है हमारे खिलाफ में है, तो हम लोग नेशनल हॉकर फेडरेशन इसका खिलाफ में लड़ने के लिए आज हम लोग उतर गए हैं, जिनकी जंतर मंतर से ये लड़ाई हम लोग जारी कर दी है। सर 2 महीने लगे हैं इलेक्शन के लिए, 2 से 3 महीने, उसके बीच में आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए पहला बात है, हम लोग ये इलेक्शन का मैनिफेस्टो में नेशनल हॉकर फेडरेशन शामिल नहीं है, फिर भी शामिल है, क्योंकि जो सरकार हमारे गरीबों हॉकर का साथ है वो सरकार को हम लोग समर्थन करेंगे। जो सरकार गरीब हॉकर और गरीब मजदूरों के खिलाफ है हम लोग उसका खिलाफ नहीं। जैसे आपने बोला जो सरकार, जैसे बीजेपी सरकार भी अगर आपकी मदद करती है आने मतलब जीतने से पहले, तो आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार आने का पहले कहे थे साल में 2 करोड़ नौकरी देगा, अभी तक 2 करोड़ का ऊपर हम लोगों का नौकरी चला गया। बीजेपी सरकार ने बोला था सेंट्रल एक्ट को टोटल स्टेट में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने का लिए जो वादा किया था वो भी वादा से मुकर गया है। तो ये सरकार का ऊपर हम लोगों का जो विश्वास था वो टूट गया है। हम लोग अगर देखेंगे आने वाला कोई भी सरकार जो भी कलर का हो जो हमारे साथ है हम उसका साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय का काम करती है। क्या मांगे हैं आपकी? आज हमारी जंतर मंतर दिल्ली में जो मांग है, हमारी सबसे पहली मांग है 13 पॉइंट के को लेकर, जो हमारे प्रबोधनों पर थोपे गए हैं वनवादी सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, उसका हम 100% विरोध करते हैं। और जब तक 13 पॉइंट रोस्टर खत्म भारत के अंदर नहीं होगा, यह नेशनल भीम आर्मी विरोध करते रहेगी और मैं इसका समर्थन में पूरे भारत के अंदर रहूंगा। अगर आपकी मांग सरकार ने पूरी नहीं की तो आगे आपका क्या चलेगा? पूरा हमारा भारत के 650 जिलों में एक साथ धरना प्रदर्शन चलेगा। उत्तर प्रदेश का कोई भी तहसील ब्लॉक नहीं बचेगा भारत का। यह आंदोलन भारत के 550 जिलों में करेंगे। आज वैसे हमारी संख्या यहाँ पर कम है, लेकिन हर जिले में हमारे 1000 से 500 लोग बैठे। दूसरी हमारा मांग यह है, जो संशोधन किया था मोदी सरकार ने RSS के एक्ट में, और उसमें हमारे बहुजन समाज के योद्धाओं ने आंदोलन किया। उस आंदोलन में हमारे निर्दोष लोगों को जेल के अंदर मोदी और योगी सरकार ने डाला है, उनको रिहाई के लिए हमारा आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब तक रिहाई नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन आपका पहले से भी चल रहा है कि आज जंतर मंतर पे आपने पहले अलग-अलग बहुजन समाज के संगठनों के द्वारा चलाया, लेकिन नेशनल भीम आर्मी का ये प्रथम धरना स्थल जंतर मंतर दिल्ली में है। ज्ञापन देने आप किसको ज्ञापन दे रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री को ही देंगे, क्योंकि सर्वोच्च आज भारत के अंदर प्रधानमंत्री है, उन्हीं को देंगे और उन्हीं की सरकार बहुजनों में लगातार। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से आप बीजेपी सरकार के बारे में बोल रहे हैं, मान लो अगर आप मांगे पूरी बीजेपी सरकार ने 2 महीने पहले कर दी, सरकार को जीतने से पहले, तो आप उन्हीं का पूरा समर्थन करेंगे? नहीं, मैं ऐसा मान सकता हूँ। 1952 में पार्लियामेंट का पहला भारत के अंदर चुनाव हुआ। आज तक हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने बहुजनों के लिए, SC/ST एक माइनॉरिटी के लिए ऐसे कानून बनाए हो जहाँ पर बहुजनों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे संशोधन जो अधिकार है, मौलिक अधिकार बाबा साहब ने दिए, उन संशोधनों में संशोधन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हम मोदी सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। वो पैर बेशक छू सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि जाति भी समझ गई है कि ये पैर छूना और हमारे चरण स्पर्श करना ओनली ये चुनावी जुमला है। उसके बाद हम भंगी हो जाएंगे, हम वाल्मीकि हो जाएंगे, चमार हो जाएंगे, धानुक हो जाएंगे, जाएंगे, गाँव हो जाएंगे, गुर्जर जाट हो जाएंगे। देखिए आज जो हम सभी बहुजन समाज के साथी अपने समाज की आवाज को मिलकर उठाते रहेंगे। जैसे SC ST एक्ट के दौरान जो आंदोलन हुआ, उस आवाज को बुलंद करने के लिए समाज के सभी साथी अपने समाज के साथ हैं, भाइयों के साथ, संगठन के साथ हैं। और हमारे भाई उपकार बावरा जी, अर्जुन जी, विकास जी, इनकी रिहाई के लिए हमने भी अभी 24 फरवरी को ज्ञापन भी दिया था, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, और आज नेशनल भीम आर्मी के साथी भी दे रहे हैं। मैं इन सभी साथियों की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करूँगा। मैं समाज के सभी साथियों को एकजुट करूँगा। ये ऐसे लोग हैं जो इस देश का भविष्य है, लेकिन इस देश के भविष्य के ऊपर ही मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने रासुका के तहत इनको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद मेरे भाई। और हम इनकी नरेंद्र मोदी आप हरियाणा से चलकर हमारे देश में आए, हमारा हौसला अफजाई किया, और जो हमारे युवा साथी, जो हमारे नेता मुजफ्फरनगर जेल के अंदर बंद हो, जो हमारे उपकार बावरा जी जेल के अंदर बंद है, उनकी रिहाई के लिए आप आए। इस संस्थापक जी ने बहुत बड़ा आपका धन्यवाद करते हैं। और अगली कड़ी में मैं बोलना चाहूँगा, इसमें काफ़ी बहुजन समाज के लड़कों को फर्जी मुकदमे के दौरान इस सरकार ने जेल में डाल दिया और उन पर फर्जी मुकदमे डालकर किस तरीके का फर्जी मुकदमा किया था सर आपने? मान लिया फर्जी मुकदमा इस तरीके से था, आग कोई और लगा रहा गाड़ियों में, ठीक है, भारत बंद कर रहे थे। अब एक चीज़ बताइए, जो मांग रहा है क्या वो दंगा फसाद करेगा? ये RSS और BJP के लोगों ने दंगा फसाद कराया भारत बंद में और फंसाए गए हमारे लड़के बहुजन समाज के। तो हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले में उत्तर प्रदेश के उपकार बावरा, विकास मेडियन, अर्जुन सिंह जो रासुका के तहत मुजफ्फरनगर जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए आंदोलन किया गया है और 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में आंदोलन किया गया है। प्लस इसी के साथ 165 लोगों की ज़िला हरिद्वार और सहारनपुर के अंदर जहरीली शराब के सेवन से जो अवैध शराब माफिया है, जो उन मौतों के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु ये आंदोलन किया गया है। अच्छा, ये आंदोलन आपका कहाँ चल रहा है? ये आंदोलन आज यहाँ से दिल्ली से स्टार्टिंग हुआ है और ये आपका अगला जो टारगेट रहेगा, अगला टारगेट हमारा सहारनपुर है। अगर आपकी मांगें अभी पूरी नहीं होती हैं तो आगे आपका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है, हम बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस वार्ता करके, हम सहारनपुर और हर सहारनपुर में दूसरा हमारा आंदोलन होगा। सहारनपुर में 15 दिन के अंदर हम सहारनपुर में आंदोलन करेंगे, उसके बाद फिर रुड़की के अंदर आंदोलन होगा हमारा। सूचना सूत्रों के मुताबिक लगातार ये पता चल रहा है कि आपके जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसे बंद कराने के पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं खुला बोलता हूँ, कोई डरता होगा, मैं नहीं डरता। जो भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर रावण, उसने अपनी ITC सेल द्वारा एक फर्जी वो बनवाई पोस्ट, कल मेरी ID जो फेसबुक पे पेज है नेशनल भीम आर्मी के नाम से, उसको हैक किया गया और रात मेरे जो कार्यकर्ता है आपके जिला हरिद्वार से है, हमारे संदीप भाई है, डॉक्टर अशोक जी है, और जिला सहारनपुर से हमारे हिमांशु भाई है और सीमोन गौतम जो मेरे जिलाध्यक्ष, उन्होंने बताया कि मेरे पर फ़ोन आ रहे थे कि वो सीमा पर कुछ मामला चल रहा है, इस वजह से ये आंदोलन कैंसिल कर दिया गया। और मैं पोस्ट भी दिखा सकता हूँ, सबूत भी है मेरे पास, जो इन लोगों ने पोस्ट डाली है कि 28 फरवरी का बहुजन एकता महाआंदोलन किन्हीं कारणों की वजह से फेल कर दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आप मीडिया बंधुओं के द्वारा, आपके मीडिया द्वारा, कि हम ना इससे डरने वाले नहीं, और हम तरीके से काम करने वाले, संवैधानिक तरीके से काम करने वाले। वे खूब ऐसी जी मरवा लियो, यह आंदोलन तो फेल हुआ ना हुआ, लेकिन अगला आंदोलन मैं चंद्रशेखर के गढ़ में सहारनपुर में ही करूँगा। और चंद्रशेखर छोड़ो, उसकी पूरी भीम आर्मी दिलो जान से साथ लगा लियो अगर हमारे उस आंदोलन को फेल कर दे। सहारनपुर में उसके गढ़ में और उसकी ज़मीन में ही आंदोलन करके दिखाऊंगा। अगर अगली बार भी कोई आपकी फेसबुक हैक कर ली तो उससे पहले तो मैं मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ कल को, जिस दिन मेरी फेसबुक, क्योंकि मेरे पास परमिशन लेटर है, परमिशन ना होता मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा चंद्रशेखर के ऊपर। ये खुला चैलेंज है मेरा। अच्छा, अभी धमकी भी दी, मुझे धमकियाँ भी मिली है अभी, तो मैं धमकियों, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी गई, नेशनल खबर भी चली थी, मैं इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करा रहा हूँ। मुझे फर्जी मुकदमा दर्ज करके जो 3 लोगों को जेल में डाला था जी, उनको अगर जल्दी से जल्दी नहीं छोड़ा तो आपका क्या कहना है? हमारा सहारनपुर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सहारनपुर से हम ये समझ लो भारत बंद होना शुरू हो जाएगा सहारनपुर से। ये नेशनल भीम आर्मी का संविधान के दायरे में करेगी। आपने कहा कि समाज के साथ गद्दारी क्या होगी? समाज के साथ गद्दारी, बहुत गद्दारी कर रखी है। अरे करोड़ों रुपए है जो समाज के युवा बेचारे आज जेल में पड़े, उनकी बताओ क्या मदद कर दी। करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दिया लोगों ने, समाज ने, गरीब लोगों ने अपने बच्चों के पेट काट काट के अपने पैसा इकट्ठा करके दिया। विदेशों से भी हमारे बहुजन समाज के जो बिजनेसमैन है, जो नौकर है, उन लोगों ने पैसा पूछा, सब पी किए। इनमें झगड़ा भी चला, कई सारे कितने सारे राहुल नागपाल, प्यारे लाल जाटव, जय भगवान, बताओ कितने नाम किनवाओ जो पैसा पी के जो आप नाम ले रहे हैं। आप पे इन लोगों का प्रूफ है कि इन लोगों ने पैसा खाया है? हाँ, सारे प्रूफ है मेरे पास। आप दिखा सकते हैं? मैं अब यहाँ थोड़ी ले रहा, दिखाऊंगा बहुत जल्द। नहीं, बड़ी तो प्रूफ है ना आप पे? प्रूफ है मेरे पास और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे खुलासे करूँगा। अब हमारे, मैं बता देना चाहता हूँ, एक बहुत बढ़िया समाज सेवक KP चौधरी जी, जिनको ये हरामखोर गलत बताते हैं। अरे KP चौधरी जी बहुत अच्छे इंसान है, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवक हैं, उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। उनका आशीर्वाद है। देखो, मैं गलत नहीं है कि वे मेरे को सपोर्ट कर रहे, वे सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि मैं काम जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ और हमारा संगठन काम कर रहा है। KP चौधरी जी आने वाले थे मुख्य अतिथि के तौर पर, लेकिन किसी कारणवश वे एक मीटिंग में चले गए और वे नहीं आ पाए। अगर KP चौधरी पहले भीम आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, वो आपको कर रहे हैं क्या? कारण यह है कि KP चौधरी साहब ने सोचा था कि भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर अच्छा काम करेंगे समाज के लिए, पूरा बहुजन समाज कर रहा था, यानी कि KP चौधरी अकेले कर रहे थे, पूरा बहुजन समाज कर रहा था। लेकिन चंद्रशेखर ने तो बहुजन समाज को भी धोखा दे दिया। तो KP चौधरी जी ने मेरे अच्छे देखी कुछ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़ा हुआ था उनसे। आपको लगता है कि चंद्रशेखर बुरा काम कर रहे हैं और जो आप लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? एक बात और आपने कही कि बहन मायावती को उन्होंने धोखा दिया। मैं बताऊँ इसका तात्पर्य, वो बार बार कहता है क्या जरूरत है उसे कहने की, कहता है कि मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, गठबंधन से क्या मतलब है उसका? उसने कहा था स्टार्टिंग में, मेरा संगठन मैं राजनीतिक है, फिर राजनीति की बात क्यों करता है? और एक चीज़ बताइए, भीम आर्मी से हर कोई बिरादरी कटती है, निकालिस बहुजन समाज में सिर्फ चमार जाटव ही लाइक करता है, वो चाहता है उससे बीजेपी जानबूझ के कलवा रही है, बीजेपी जानबूझ के कलवा रही है ताकि अदर बिरादरी का, अदर स्वर्ण जाति का वोट ना मिले, ताकि बहन जी का वोट आराम से कट जाए, उसका ये उद्देश्य है। सरकार के विरोध में हम बैठे हैं जंतर मंतर पर धरना देकर। भीम आर्मी के हमको कहा है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है हमारे कटारे भाई साहब जी ने, इसलिए आज हम जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और दे रहे खुलेआम। हमारा जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे किन्नरों के लिए तो बहुत गलत करा है, क्योंकि कौन सा बिल के थे, लोकपाल बिल में ऐसा कुछ लिखा है कि किन्नरों का क्या नाचना गाना, बधाइयाँ और दुआएं देना, ये नहीं काम होना। नौकरी दो, नौकरी का झांसा दे रही है सरकार, नरेंद्र मोदी जी झांसा दे रहा है कि पढ़े लिखे किन्नरों को नौकरी, बुजुर्गों को 2000 पेंशन, ये जो गृहस्थी को देता है वो कहेगी तुमको देंगे, तो हम लोग तो इनके लिए विरोध कर रहा है, अच्छा नहीं है। देखो, संविधान को विरोध नहीं कर रहे हैं हम, सरकार का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का, कांग्रेस गलत करेगी तो कांग्रेस क्या मेरी तोप लाएगी क्या? हम उनके लिए भी विरोध करेंगे, वैसा भी दल हो, वैसा भी राजनीतिक दल हो। कांग्रेस ने तो किन्नर के एक लेडी को महासचिव नियुक्त किया। हाँ, कराना सबना मौसी हमारे मध्य प्रदेश की है, जिला शहडोल की है, विधायिका थी, उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है। लेकिन भाजपा में किन्नरों को दरकिनार किया गया ना। भाजपा सरकार जो है किन्नरों से घृणा करते, किन्नरों से देखो ना नाचना गाना करते, दो वक्त का अपना गुजारा करते, जहाँ पर लल्ला हुआ अन्य बच्चा हुआ तो वहाँ नहीं जाओ, शादी हो तो वहाँ ना जाओ, मांगो नहीं, नाचो कूदो नहीं, नौकरी करो। तो पढ़ा लिखा किन्नर नौकरी करेगा और जो पढ़ा लिखा किन्नर नहीं हो तो नौकरी कहाँ से करेगा? जो बुजुर्ग है, जो नौकरी नहीं कर पाएगा उसके लिए 2000 रुपये पेंशन, और वो क्या है, उनके बंगले ठीक करोड़ों के, एकड़ों में, अरबों के प्रधानमंत्री निकलता है तो करोड़ों का खर्चा होता है, और किन्नरों के लिए 2000 रुपया पेंशन का जारी करने का बोला है। वो एक चॉकलेट है, हाँ चॉकलेट है। एक मिनट, उसी अभी जो युद्ध का देख रहे हैं, किस तरह की युद्ध की बातें हो रही है जी, भारत पाकिस्तान की बातें हो रही है, चुनाव भी है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए साहब, ये तो बहुत गलत हुआ है, ये जो पाकिस्तान ने जो किया है, इसके लिए तो हम भी विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा गद्दार है, मेरा हिंदुस्तान बड़ा महान है। जो आज हम किन्नरों को सम्मान भी दे रहा है और हम भारत में रह रहे हैं और भारत के लिए दुआ करेंगे कि इस युद्ध में हमारा भारत, नरेंद्र मोदी जी जो सरकार है वो अच्छा कार्य करे और पाकिस्तान पे अटैक करे। अगर किन्नर समाज को मौका मिलता है तो नस्ते नाबूद करने के लिए जाएंगे। देखिए साहब, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 2 करोड़ किन्नरों में से 2,60,000 किन्नरों में से नहीं ज़्यादा तो नहीं ज़्यादा 50-40 तो जाएंगे, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। बिल्कुल, मैं अपने मध्य प्रदेश से जरूर अपने शहीद होने के चले जाऊंगी, साले तोप चला दूंगी पाकिस्तान पे।